यस। सो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मिस्टर शाह एंड हिज वाइफ आर बोथ स्कूल टीचर्स एंड अर्न रुपीज 16800 एंड रुपीज 10500 10500 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, एक मिस्टर शाह है और उनकी वाइफ है, ये दोनों ही स्कूल टीचर हैं, ठीक है। इन दोनों की अर्निंग बता रखी है आपके पास, इन दोनों की अर्निंग क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। मंथली जो अर्निंग है ना, मंथली जो सैलरी होती है इनकी, वो दे रखी है। अब बेटा मिस्टर शाह की जो सैलरी है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, तो जो मिस्टर शाह है उसकी जो अर्निंग है ना वो कितनी है, तो मिस्टर शाह की अर्निंग जो है वो है आपकी 16800, ठीक है। अब मिस्टर शाह की जो अर्निंग है वो है रुपीज 16800, ठीक है, क्लियर। उसकी वाइफ की कितनी है, तो मिसेस शाह की जो अर्निंग है, मंथली अर्निंग वो कितनी है, तो वो रुपीज है 10500। इसमें कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपसे रेशियो पूछा गया है, पैसे निकालनी है, वो मिस्टर शाह के इनकम से उनकी वाइफ के इनकम का रेशियो निकालना है, ठीक है। इन दोनों के इनकम का रेशियो निकालना है बेसिकली। तो मिस्टर शाह की इनकम है 16800 इज टू मिसेस शाह की जो अर्निंग है वो है 10500, यही है। इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखो, ठीक है। ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख दिया, अब 20 से 20 कैंसिल करो, क्या रहा अपने पास 168 अपॉन 105, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, 168 अपॉन 105 किससे डिवाइड करोगे कि ये दोनों नंबर कट जाए, ये दोनों नंबर ही डिवाइड हो जाए। अगर मैं 21 से डिवाइड करती हूँ दोनों को, ठीक है, कितने से डिवाइड करती हूँ, 21 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए, 21 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 1 8, 8 2 16, 21 8 क्या आता है 168, 8 168। अब अगर मैं वही 21 को डिवाइड करूँ कितने से, तो देखिए अब उसके बाद अगर मैं 21 को डिवाइड करती हूँ, ठीक है, 5 से, ठीक है। अब अगर मैं 21 से 105 को डिवाइड करती हूँ, तो देखिए कितने टाइम्स में ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 21 5 जा मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 1 5 5 2 10, मतलब 5 टाइम में 105 मेरा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो 21 से दोनों डिवाइड हो गए, एक 8 टाइम में और एक 5 टाइम में, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या आया बेटा, अगर हम बोले आपसे कि 168 इज टू 105 का सिंपल फॉर्म में रेशियो क्या आया, 8 इज टू 5, ठीक है। तो यही रेशियो है, यही रेशियो है मिस्टर शाह की मंथली इनकम में एंड मिसेस शाह की मंथली इनकम में। इन दोनों की इनकम का जो रेशियो है वो 8 इज टू 5 का है, समझ में आ गई चीज, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है, क्लियर। इसी फोर्थ क्वेश्चन में दूसरे और क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ठीक है। इसी फोर्थ क्वेश्चन में हमें और भी रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो रेशियो निकालना था वो तो इन दोनों की सैलरी के बीच का निकालना था, अर्निंग के बीच का निकालना था, वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए सेकंड क्या है,
सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखिए सेकंड आपको निकालना, रेशियो निकालना है मिसेस शाहस इनकम टू हर हस्बैंड्स इनकम। पहले किससे निकाला था, किसके भी मतलब किसने किससे कंपेयर किया था? हस्बैंड ने मतलब मिस्टर शाह ने अपनी वाइफ्स की सैलरी से कंपेयर किया था। अब इसका जस्ट उल्टा करना है। अब मिसेस शाह जो है वो अपनी अर्निंग की कंपैरिजन अपने हस्बैंड की अर्निंग से कर रही है, मतलब मिस्टर शाह से कर रही है। कुछ नहीं करना, बस फर्स्ट वाला जो हमने सॉल्व किया उसी का ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, पहले पहले का जो कंपैरिजन था वो ये इससे कर रहा था, अब जब हम कंपेयर करेंगे तो इसकी सैलरी से इसकी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो मिसेस शाह की इनकम कितनी है? रुपीज 10500। ठीक है, इसका कंपैरिजन करना है मिस्टर शाह इनकम, ठीक है, जो इनके हस्बैंड है उनकी सैलरी से कंपेयर करना, तो इनकी सैलरी कितनी है? 16800। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, अब इसको आप लिखेंगे ए अपॉन बी के फॉर्म में, 10500 अपॉन 16800। 20 से 20 कैंसिल, बच क्या गया? 105 अपॉन 168। ठीक है, अब आप 105 अपॉन 168 को डिवाइड करो, 21 से डिवाइड कीजिए। जब 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 5 ज़ा, अभी किया था अपन ने 21 5 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। 21 की टेबल अगर 5 टाइम में आप रीड करते हो तो 105 आता है, मतलब 5 टाइम। ठीक है, 21 5 ज़ा 105, 21 8 ज़ा 168। तो बेटा जो रेशियो आया सेकेंड क्वेश्चन में, मतलब जो वाइफ है अगर वो अपने हस्बैंड के सैलरी का रेशियो निकाल, मतलब जब वाइफ है जब कंपेयर करती है अपने हस्बैंड की सैलरी से, तो वाइफ की सैलरी जो है उनके हस्बैंड की सैलरी से उनकी वाइफ और उनके हस्बैंड की सैलरी के बीच का जो रेशियो निकला वो कितना निकला बेटा? 5:8 का। ठीक है, 5:8 का रेशियो निकला। समझ में आ रही चीज? तो जब हस्बैंड ने मतलब मिस्टर शाह ने मिसेस शाह की अर्निंग से कंपेयर किया तो 8:5 आया, और जब उनकी वाइफ ने मिसेस शाह ने अपने हस्बैंड मतलब मिस्टर शाह की सैलरी का या अर्निंग की जब उन्होंने कंपैरिजन की अपने अर्निंग से तो रेशियो क्या आया? 5:8। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया। अब इसमें थर्ड आपको क्वेश्चन और इसमें थर्ड क्वेश्चन और पूछ रखा है। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन है जिसमें हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, दो के तो हमने आंसर दे दिए। ठीक है, जो थर्ड है, थर्ड अब थर्ड हमें किन के बीच का रेशियो निकालना है? तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में मिस्टर शाहस इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ द टू। ठीक है, क्या करना है थर्ड में, क्या सॉल्व करना है? थर्ड में सॉल्व करना है मिस्टर शाहस इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ द टू। ठीक है, अब मिस्टर शाह की जो इनकम है, जो उनकी अर्निंग है मंथली अर्निंग, उस अर्निंग का कंपैरिजन करना है टोटल इनकम से। टोटल इनकम दोनों की इनकम को ऐड करके ही टोटल इनकम निकलेगा। ठीक है, क्योंकि उनकी वाइफ भी टीचर है और वो खुद भी टीचर है, दोनों की सैलरी है। तो बेटा मिस्टर शाह की जो अर्निंग है उससे आप कंपेयर करेंगे टोटल इनकम का। ठीक है, और टोटल इनकम निकालने के लिए हमें इन दोनों की इनकम को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिस्टर शाह की इनकम तो हमें पता है ₹16800। ठीक है, बट इसकी कंपैरिजन आपको करनी है टोटल इनकम से। अब टोटल इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना, टोटल इनकम निकालने के लिए हमें यहाँ पे साइड में प्लस करना पड़ेगा 16800 10500। प्लस कीजिए, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0। ठीक है,
देन 8 प्लस 5 13, 13 का 3 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 1 प्लस 1 2। टोटल इनकम, जो टोटल इनकम है इनके घर की बेटा, वो टोटल जो टोटल इनकम है इनके घर की वो कितनी है, 27,300। ठीक है, मतलब जब दोनों के हम इनकम को प्लस करते हैं तो मंथली इनकम उनके घर पे कितनी आती है, 27,300। ठीक है, तो आपको ₹27,300 एंड ₹16,800 के बीच में ही रेशियो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब 16800 अपॉन 27300, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बाय बी के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट, ओके, देन क्या बच गया, 168 अपॉन 273, यही बच गया। ठीक है, अब देखिए 168 अपॉन 273 को डिवाइड कीजिए, 21 से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए 21 के टेबल में 168 कितनी बार में आ जाता है, ये तो हमने बहुत बार अभी करके देख लिया, 8 टाइम में आ जाएगा। ठीक है, 21 8 8 1 8 8 2 16 168 आ रहा है 8 टाइम। ठीक है, तो बस 8 टाइम में आपका 168 आ जाएगा। ठीक है, 21 8 168, अब 21 के टेबल में 273 कितने टाइम में आएगा, तो बेटा 21 में 21 को 13 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 1 3 3 2 6, 1 1 1 1 2 2, 3 6 plus 1 7 एंड 273 आ रहा है 13 टाइम में, तो इसका मतलब 21 13 273, है ना, क्लियर, ओके। तो जो रेशियो आया बेटा, वो रेशियो कितने आया आपका, जो 168:273 का जो सिंपल फॉर्म आया आपका, वो आया 8:13। तो बेटा जो मिस्टर शाह हैं उनकी सैलरी का कंपैरिजन अगर हम टोटल सैलरी से करें, ठीक है, तो क्या रेशियो आता है, 8:13 का, समझ में आ गई चीज। तो आपके इस फोर्थ क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन रेशियोज फाइंड आउट करनी थी, तीनों कर ली हमने। पहली रेशियो फाइंड आउट करनी थी मिस्टर शाह की सैलरी से मिसेस शाह की सैलरी का, ठीक है। सेकेंड रेशियो फाइंड आउट करनी थी मिसेस शाह की जो अर्निंग है उसका कंपैरिजन करो आप मिस्टर शाह के अर्निंग से, ठीक है। थर्ड रेशियो फाइंड आउट करनी थी मिस्टर शाह की जो अर्निंग है उसका कंपैरिजन कीजिए आप टोटल सैलरी से, मतलब टोटल अर्निंग से। तो टोटल अर्निंग के लिए हमें दोनों की सैलरी को प्लस करना पड़ेगा ना, तो दोनों की सैलरी को ऐड कर दिया, ऐड करने पे क्या आया, 27,300। ठीक है, समझ में आ गई चीज, 27,300। अब आप जो हमारे मिस्टर शाह की सैलरी है 16,800 अपॉन 27,300, ठीक है, कैंसिल किया, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, क्या बच गया, 168 अपॉन 273, इन दोनों को हमने 21 से डिवाइड किया, 21 8 जा 168 एंड 21 13 जा 273। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म का रेशियो क्या है, 8:13, समझ में आ गई चीज, कैसे सॉल्व करना था इन क्वेश्चंस को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा वो है द बॉयज एंड द गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 9:5, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, मतलब एक स्कूल है, उस स्कूल में जो गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो 9:5 का है, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो है आपका 9:5 का,
ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद है, इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 448, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। आपको नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 9:5 का है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? तो टोटल स्ट्रेंथ मतलब गर्ल्स और बॉयज को मिलाकर ही टोटल स्ट्रेंथ बनेगी, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ बनेगी, ओके। अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 448, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे, रेशियो को रिमूव करेंगे एंड 9x प्लस 5x, हमें नंबर ऑफ गर्ल्स जानना है ना, तो 9x प्लस 5x इज इक्वल टू 448, 9 प्लस 5, 14x इज इक्वल टू 448, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू 448 अपॉन 14, 14 वंजा 14, 14 के टेबल में 3 टाइम है, 14 थ्रीजा 42, ठीक है। रिमेनिंग कितना बच गया? 2, यहाँ पे 44 है ना, 14 थ्रीजा 42, 2 बच गए, ठीक है, 2 रिमेनिंग है, 28 बन गया। अब 14 टूजा 28, ठीक है, मतलब 14 के टेबल में 32 टाइम्स में हमारा 448 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू 32 आई, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, आपको गर्ल्स का रेशियो, गर्ल्स के नंबर जानने हैं, ठीक है। तो हम गर्ल्स बॉयज का दोनों का ही देख लेते हैं। अब गर्ल्स बॉयज दोनों का देखते हैं, तो बेटा यहां देखिए, बॉयज का जो रेशियो था बॉयज का रेशियो क्या था 9x, है ना। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू क्या आई? 32, है ना। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 32 9 टू 18 का 8 वन कैरी, 9 थ्री 27 प्लस 128, मतलब 288 बॉयज हैं का, 288 किसका नंबर होगा बेटा? तो 288 जो है वो बॉयज का नंबर है ना, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 288 है, ओके। वहीं अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो देखिए वहीं अगर हम बात करते हैं गर्ल्स की, तो गर्ल्स का रेशियो क्या था बेटा? गर्ल्स का रेशियो है 5, ठीक है। तो 5x, अब बेटा 5 मल्टीप्लाइड बाय 32, एक्स की जगह पे 32 पुट कीजिए, ठीक है। तो अगर हम 32 को 5 से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए 5 टू 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 थ्री 15 प्लस 1 16, ओके। सो गर्ल्स का जो नंबर है स्कूल में, ठीक है, सो द नंबर ऑफ अ गर्ल्स इन स्कूल इज 160, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन है, डिवाइड रुपीज 3450 अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:5:7। हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, रुपीज 3450 3450 रुपीस को हमें डिवाइड करना है, बांटना है ए बी एंड सी में, ठीक है। मतलब मान लीजिए ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है और सी एक पर्सन है, ठीक है। इन तीनों में 3450 रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होना चाहिए बच्चों, वो रेशियो होना चाहिए हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 3:5:7, ठीक है। तो ए इज टू बी इज टू सी
इनका रेशियो होना चाहिए 3:5:7 का, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अगर हम सम ऑफ द रेशियो निकालें तो बेटा तीनों रेशियो का सम कितना है, 5+3। ओके, तीनों रेशियो का सम कितना है, 7+3 10, 10+5 15, ठीक है। अब शेयर किया है, ठीक है, अब यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, ठीक है। अब देखिए, ए जो है, एज शेयर कितना शेयर करेगा, ए के पास रेशियो 3, ठीक है, ए का रेशियो कितना होना चाहिए बेटा 3, ओके, एंड टोटल सम ऑफ द रेशियो कितना आया है 5, डिस्ट्रीब्यूशन किसका करना है 3500 का, है ना, क्लियर। कट कीजिए, 3 1 3 3 5 15, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच गया, ऊपर 3 4 5 0 अपॉन 5, ठीक है। अब आप 5 से डिवाइड कीजिए, देखो यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं 3 4 5 0 को, 5 6 30, माइनस करो 4 45, 5 की टेबल में 45 9 टाइम, ठीक है, माइनस किया 0 0, ये 0 यहाँ, ठीक है, ये 0 बच गया और ये 0 यहाँ बच जाएगा, ठीक है। तो जब हम कट कर रहे हैं, तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो बेटा डिवाइड करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है हमारा 690। बी के पास कितने रुपीस आने वाले हैं, तो बीज शेयर रेशियो क्या है बेटा बी का 5, टोटल सम क्या है रेशियो का 15, मल्टीप्लाइड बाय डिस्ट्रीब्यूशन कितने का करना है अमाउंट 3450, है ना, 5 1 5 5 3 15, क्लियर। अब देखिए क्या आपके पास बच गया, तो जैसे ही हमने यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर क्या बच गया 3 4 5 0, ऊपर क्या बच गया यहाँ पे 3 4 5 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 3 4 5 0, ठीक है, तो ये 3 टाइम में, ठीक है। अब देखिए क्या बच गया, हमारे पास बच गया है 3 4 5 0 अपॉन नीचे 3, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे 3 4 5 0 को, 3 1 3, माइनस किया 3 में से 3 0, ठीक है, 4 नीचे 3 1 अगेन 3, माइनस करने पे 1, अब 5 नीचे आएगा, इट बिकम 15, 3 5 15, माइनस किया 0 0, ये 0 यहाँ पे, ये 0 बच गया, ठीक है, ये 0 रिमेनिंग रह गया, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल अपना कितना आ रहा है 1 1 5 0, ओके। तो बी जो है वो कितने रुपीस को शेयर करेगा, बी के पास, बी जो है वो कितने रुपीस को शेयर करेगा, बी के पास आएगा 1150 रुपीस, ए ने कितना शेयर किया 690 रुपीस, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अब लास्ट में किसकी शेयरिंग देखनी है, सी के पास कितने रुपीस आने वाले हैं, है ना। तो देखिए ये ए वाला मैं रब कर रही हूं बेटा, ठीक है, यहां लिख लेते हैं, ए की जो शेयरिंग है वो है 690 रुपीस की, ठीक है, और बी की इतनी। अब सी की शेयरिंग देते हैं, सीज शेयर, सी की शेयरिंग देखते हैं, सी का रेशियो क्या बेटा 7, टोटल रेशियो कितना है अपना सम 15 एंड 3 4 5 0, ठीक है। अब क्या करना है, 7 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 3 4 5 0 से, ठीक आता है 24150, क्या आएगा 24150 अपॉन 15, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 3450 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 7 से तो क्या आएगा आपके पास 24150 डिवाइडेड बाय 15। अब
15 से डिवाइड करेंगे बेटा 24150 को, तो आंसर आएगा आपका 1610। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। सो ए के पास अमाउंट कितना आना ए जब हम जब 3450 को 3450 को जब हम डिवाइड करेंगे ए बी एंड सी में, तो बेटा कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितने कितने रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ए के पास जाएंगे 690 रुपीज़, बी के पास जाएंगे 1150 रुपीज़ एंड सी के पास शेयर होंगे 1610 रुपीज़। ठीक है, सबसे कम देखिए 3 सबसे कम है ना, तो 3:5:7 का रेशियो था, तो सबसे कम ए के पास मिलना था 690 सबसे कम है। उसके बाद 5 रेशियो है हमारे बी का, तो बी का 1150 है और सबसे ज़्यादा रेशियो किसका है 7 है ना, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पैसे का वो किसके पास, सबसे ज़्यादा जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं वो किसके पास हो रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे किसको मिल रहे हैं बेटा, तो सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं यहाँ पे सी को। ठीक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा शेयरिंग हो रही है, सी जो है उसको सबसे ज़्यादा रुपीस मिल रहे हैं 1610। ठीक है, उसका रेशियो भी सबसे ज़्यादा था। उसके बाद बी को 1150, ठीक है, इसका रेशियो 5 था और ए का रेशियो 3 था। ठीक है, सबसे कम रेशियो है इसीलिए 690 रुपीज़ इसको मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ।